हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप सभी के हाल काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे हाल अच्छे हैं तो आपके भी हाल अच्छे ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए सर। तो पिछली क्लास में हमने कुछ कवर करा था। हमने पहले पार्टनरशिप पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप पढ़ा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक पढ़ा था माइनर पार्टनर। हमने एक पढ़ा था क्या? माइनर पार्टनर। बेटा आज मैं इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि माइनर एज अ पार्टनर इसकी पोजिशन क्या होती है। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नजर आ सकता है, एक नंबर का, तीन नंबर का, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर नजर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को सेपरेटली करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस टॉपिक को छोड़ सकता था। हालांकि इसके बाद एक दो टॉपिक मैं स्किप करूंगा, और अगर बाद में वक्त मिला तो मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल के लिए एक पार्टनरशिप डेट एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग रीड कर सकते हो उसको, तो वो टॉपिक मैं स्किप कर दूंगा, अगर अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल अगली क्लास के बारे में बात ना करके मैं करंट की क्लास में बात करूं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? माइनर की पोजिशन एज अ पार्टनर क्या होती है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, सबसे पहले हमको ये बताइए कि माइनर का अर्थ क्या होता है, माइनर का मतलब क्या होता है? बेटे माइनर का मतलब कुछ नहीं है, माइनर और मेजर आपको पता है। माइनर का मतलब क्या सर? कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो 18 साल की नीचे से कम है, लेस देन क्या है सर? एज ऑफ 18, तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर? आपका माइनर। आप लोग सभी माइनर की कैटेगरी में हो जहां तक मुझे भी आइडिया है। 16-17 साल के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बालक हो आप लोग, तो आप लोग क्या हो सर? ऐसा माइनर हो। अच्छा सर, कहता है क्या था मेन फीचर ऑफ अ माइनर इज दैट ही लैक्स द कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्टेक्ट। बेटा अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने पार्टनरशिप सबसे पहले दिन पढ़ा था, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप का मतलब क्या था सर? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली जो माइनर है वो कभी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या सर? जब पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो लॉजिकली वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। बट देखना जरा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, बट नो इफ नो बट, ठीक है, बट कैन बी मेड अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। सर कहता है सर आप उसे भले ही पार्टनर नहीं बना सकते, बट अदर पार्टनर की कंसेंट लेके आप उसको पार्टनर बना सकते हो, किसमें? सिर्फ प्रॉफिट में। अर्थार्थ कहने का मतलब क्या है? अर्थ क्या है कहने का? कभी कहना चाहता है कि भैया वो पार्टनर रहेगा बट किसके लिए? सिर्फ प्रॉफिट के लिए। लॉसेस होंगे तो लॉसेस में वो लायबल नहीं होगा। कल को धंधा डूब गया तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहेगी। उसकी लाइबिलिटी कैसे रहेगी? लिमिटेड, जितना उसने इन्वेस्ट करा है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उतने तक ही क्या रहेगी सर? सीमित रहेगी। बोलो समझ आता है क्या? जी सर, हमको बिल्कुल समझ आता है। अब सर बात आती है, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने आपको ये समझा दिया माइनर कौन है, क्या है, कैसे उसको हम पार्टनर बना सकते हैं। अब सर बात आती है, ये तो बात थी कब की? जब वो माइनर था। बट बच्चा अब 12वीं पास हो गई है, बच्चा जो है वो 18 से ऊपर का हो चुका है सर। अब क्या होगा उसके साथ? अभी तक जो बात करी मैंने, जो मैंने ऊपर बात करी है ना, जो मैंने यहां पर जो मैंने बात करी, ये मैंने करी क्या उसके 18 से पहले की बात? अब मैं बात कर रहा हूं, बच्चा हमारा हो गया क्या 18+? 18+ हो गया सर, अब क्या करें? देखो बेटा, अब दो बातें होंगे क्या सर? वो बताएगा कि मैं पार्टनर बने रहना चाहता हूं या नहीं। बने रहना चाहता हूं तो अलग बात होगी, ठीक है, नहीं बने रहना चाहता हूं तो अलग बात होगी। समझ गए? देखते हैं जरा। अब हम पहले की एक बार दोबारा से बात करते हैं सर। अगर वो माइनर है, अभी 18 से नीचे नीचे है, तो सर उसके क्या अधिकार होंगे? पहला सर, जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा सर, एसेट्स में हिस्सा मिलेगा उसे सर। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है? कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है कि भैया आप सही सलामत जो मेरे को प्रॉफिट दिखा रहे हो, ये सही दिखा रहे हो कि नहीं? बच्चा समझ के पागल तो नहीं बना रहे? उमेश सर से अकाउंट्स पड़ गया, मैं बुक्स को ऐसे ऐसे इंस्पेक्ट कर सकता हूँ मैं, समझ गया क्या? मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। समझ गए? हाँ, मैं अकाउंट से पढ़ाता हूँ, अगले साल पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। अभी आपका बिजनेस स्टडीज पहले खत्म कर लूँ, बिजनेस स्टडीज जब खत्म होगा उसके बाद अकाउंट्स फ्री में पढ़ाएंगे। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू टीच अकाउंटेंसी, नोट्स बनाने पड़ते हैं। अभी तो खाली पहले आपका बिजनेस स्टडीज भी खत्म कर लूँ मैं, बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगा तो अगले साल पढ़ाएंगे सर। इसका मतलब हमें फेल होना पड़ेगा इस साल? हाँ, अगर आपको मेरे से अकाउंट्स पढ़नी है तो आप 11वीं में फेल हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे से अकाउंट्स पढ़नी है बिना फेल हो तो कोई बात नहीं बेटा, 12वीं के अकाउंट्स आप अगले साल मुझे 12वीं में मिल सकते हो, बट उसके लिए आपको पास होना पड़ेगा। आप पास हो या फेल हो, अकाउंट्स आप मेरे से पढ़ सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। पास हो गए तो 12वीं के पढ़ाऊंगा, फेल हो गए तो 11th की पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे, राइट टू फाइल सूट सर, अगर मेरे को मेरा प्रॉफिट नहीं मिल रहा ना, तो मैं आपके ऊपर क्या कर दूंगा? केस कर। समझ गए? राइट टू फाइल सूट, सूट का मतलब क्या होता है? केस, ठीक है।
फूड बोलते हो ऐसे ऐसे, स्वीट नहीं, स्वीट तो मीठा हो जाता है। ठीक है आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? कहते हैं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी कहाँ तक? उसकी जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट करा होगा, यानी कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी। बोलो समझ आता है क्या? तो समझ आता। अब सर बच्चा 18 प्लस हो गया, अभी हमने छोटी छोटी बातें निपटा दी क्या 18 से पहले की। अब हम बात करें 18 प्लस पोजिशन ऑफ अ माइनर आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है सर, मेच्योरिटी में आ गया, 18 का केक काट दिया है उसने, 18 प्लस हो गया है बच्चा हमारा, बताओ क्या होगा सर? कहता है पहली बात तो ये, जैसे अब 18 प्लस हो गए, विद इन 6 महीने के अंदर आपको एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा, क्या कि आप पार्टनर बने रहना चाहते हो या नहीं। ठीक है, विलिंगनेस टू रिमेन अ पार्टनर और नॉट, समझ गए? आप पार्टनर बने रहना चाहते हो नहीं, आपको जनता को बताना पड़ेगा किसके थ्रू? एक पब्लिक नोटिस के थ्रू। ठीक है, अगर आप बने रहना चाहते हो, अगर आप पार्टनर बने रहना चाहते हो, तो इन दैट केस क्या होगा? आज के बाद जो आपकी लाइबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी बेटा? अनलिमिटेड हो जाएगी। अर्थात अगर कल को धंधा डूबा तो जो आपने इन्वेस्ट करा वो तो आपसे लिया ही जाएगा, प्लस उसके सिवा आपकी घर की जो एसेट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएगी लायबिलिटी को पे करने के। बोलो समझ आता है क्या सर? हमको बिल्कुल समझ आता है, जिनको नहीं समझ आता पिछली 2 क्लासेस जाके देखो, आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे ही विल ऑल्सो गेट अ शेयर इन लॉसेस। सर अभी तक सिर्फ प्रॉफिट कमाता था, अब लॉस में भी हिस्सा देगा तेरे को मैं, क्यों? तेरी लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड, अब तू क्या हो चुका है? मेजोरिटी में आ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है अब तू, समझ गया? तो लॉस भी बियर करेगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म मेड ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ माइनॉरिटी। मतलब जब मैं छोटा बच्चा था और जो भी मेरे मदर फादर यानी कि जो भी उसमें पार्टनर थे, मेरे दोस्त लोग थे या रिश्तेदार थे, जो भी उन्होंने एक्ट किए होंगे उसके लिए मैं क्या रहूंगा? प्रॉपर जिम्मेदार रहूंगा, समझ गए? विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब जब से मैं उनका पार्टनर था। रेट्रोस्पेक्टिव, और देखो 2 इफेक्ट होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? जो आज से लागू होगा उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? जो पुराने डेट से लागू होता है, दैट इज समटाइम्स व्हाट योर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। समझ गए? आगे सर ये तो बात होगी जब वो पार्टनर बने रहना चाहता। सर अगर पार्टनर नहीं बने रहना चाहता तो नहीं बने रहना चाहता, कोई बात नहीं, तेरी जो राइट्स और लाइबिलिटीज थी, ठीक है, ठीक है, वो जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज है वो कब तक रहेंगी? पब्लिक नोटिस तक। जैसे ही पब्लिक नोटिस दे देगा, पुरानी जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी ये दे देख रहे थे, अब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो थी ये सब क्या हो जाएंगे? अब खत्म हो जाएंगे आपकी, समझ गया? यानी कि आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, आपको एसेट में हिस्सा नहीं मिलेगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, आप केस नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी सर? खत्म हो जाएगी। आगे ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। कहता भैया जैसे ही मैं पब्लिक नोटिस दे दूंगा, अब फर्म कुछ भी कराए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? सर तुम कुछ भी करो आज के बाद मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, आपको जो करना जैसे करना वैसे करो, समझ गए? हाउएवर अगर मेरे को पार्टनर ने मेरा प्रॉफिट नहीं दिया अभी तक, जो अभी तक कलेक्ट होता नहीं दिया, या मेरे को एसेट में हिस्सा नहीं दिया, इन दैट केस मैं क्या कर दूंगा? उनके ऊपर केस कर दूंगा। केस करूंगा तो मेरे को मेरा पैसा क्या हो जाएगा सर? वापस मिल। समझ गए क्या? समझे या नहीं समझे? समझ गए? अच्छा सर एक बात है, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ बच्चा पूछ। कहते सर बच्चा जो था 18 प्लस हो गया, बच्चा जो था 18 प्लस हो गया, कितना प्लस हो गया? 18 प्लस। मैंने कहा अच्छा, और कहते सर जैसे ही 18 प्लस हुआ 6 महीने के अंदर नोटिस देना होता है। कहते सर 6 महीने भी बीत गए, 6 महीने भी बीत गए, समझ गए? यानी कि सर वो हो गया 18 साल 6 महीने का हो चुका है सर। सर इसने नोटिस नहीं दिया सर, क्या होगा फिर? वो पार्टनर रहेगा नहीं रहेगा? मैंने कहा सुन, अगर नोटिस नहीं दिया, नोटिस जानबूझ के नहीं दिया, गलती से भी छूट गया, तो इन दैट केस हम आपको पार्टनर बना देंगे फुल फ्लैश। तो जो भी ये वाला ऑप्शन था ना, कहा गया ये वाला व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन पार्टनर, ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपने नोटिस नहीं दिया, फेलियर टू इश्यू सच नोटिस, इन दैट केस आपको हम क्या बना देंगे? पार्टनर। तो यही आपकी क्या हो जाएंगे? राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो समझ आता है क्या? बोलिए सर, बोलिए बेटा, समझ आता है या नहीं समझ आता है? सर हो गया टॉपिक समाप्त, माइनर एज अ पार्टनर जो टॉपिक था वो इतना सा ही है, समाप्त हो गया 10 मिनट के अंदर। तो बेटा इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अगला टॉपिक जो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे बेटा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? LLP,
पढ़ाऊंगा मैं आपको एलएलपी, और देखता हूँ उसके अंदर अगर पार्टनरशिप डीड कवर करवाना चाह तो आपको उसके अंदर पार्टनरशिप डीड भी क्या करवा दूंगा, कवर करवा दूंगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय। बोलो भारत माता की, बोल भारत माता की, बोलो भारत माता की, जय सर।